कहीं ना कहीं लोगों ने समझौते कर लिए, लोगों की बड़ी बड़ी इच्छाएं थी। आज ये कहते हैं कि हर पत्रकार के मन में कहीं ना कहीं ये भावना होती है कि वो राज्यसभा में पहुंच जाए। जब मेरे बगल वाला पत्रकार जो मर्सिडीज में घूम रहा है, तो मेरे पास मर्सिडीज क्यों नहीं हो, मेरे पास अपना फार्म हाउस क्यों नहीं हो। तो ये पत्रकारों की जो एक लालसा या लालच है, उसके कारण भी तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हम लोगों पर रहती है। एक बड़े पत्रकार को अपने ही टेलीविजन चैनल का स्टिंग ऑपरेशन, जो उसके रिपोर्टर ने किया था, और उस स्टिंग ऑपरेशन को दबाने के कारण भी पद्मश्री मिला था, ये भी नहीं भूलना चाहिए। एक बड़े पत्रकार है, उन्होंने अपने ही टेलीविजन चैनल का स्टिंग ऑपरेशन गिरा दिया, बाद में उनको पद्मश्री मिल गया। तो ये सब क्या पर हम उम्मीद करें, बेसिक इशू नहीं एड्रेस किए जा रहे हैं। बहुत सच्चे उम्मीद करें कि ये सब बंद होगा। और जो पत्रकारिता का सच है, अगर वास्तव में एक नहीं ऐसे कई लोग हैं, मैं कह रहा हूं प्रणव राय को, एनडीटीवी को, अगर और भी सब इस तरह के जिन्होंने कानून तोड़े, तो एक एक करके सब हम देखेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होते हुए।